हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल पढ़ाई चैनल के माध्यम से आज हम लोग मोटार और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं और भी किसी अदर टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मोटार को डिफाइन करते हैं। मोटार क्या होता है ना? यहाँ पे देखिए, मोटार का मतलब है कि जो सैंड है, सैंड का मतलब बालू, सीमेंट आप जानते ही हैं, और वाटर को जब एक प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है तो मोटार तैयार होता है। यहाँ पे सीमेंट और लाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि या तो हम लोग सीमेंट यूज़ कर रहे होंगे या फिर लाइम यूज़ कर रहे होंगे। इन द अदर सेंस हम लोग कभी कभी एडमिक्सचर यूज करते हैं। ऐसा तब करते हैं जब हमको स्पेशल पर्पस का मोटार की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, यूज़ ऑफ मोटार क्या क्या है, हम लोग मोटार का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो मोस्ट फैमिलियर हम लोग देख पाते हैं वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। वहाँ पे देखते हैं कि मेसनरी का जो भी काम होता है, जैसे ब्रिक्स का जोड़ना, स्टोन का जोड़ना या फिर प्लास्टरिंग का काम होना, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि मोटार का मैक्सिमम यूज होता है। यहाँ पे देखिए, ये प्लास्टरिंग है। पॉइंटिंग का मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। जो जॉइंट क्रैक्स डेवलप होते हैं उनको फील करने के लिए मोटार का यूज किया जाता है। प्लास्टरिंग करने से आपको ये पता है कि जब प्लास्टरिंग होता है तो उसके कारण जो सामने का सरफेस है उसकी अपीयरेंस जो होती है बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाती है ना। तो इसके लिए भी हम लोग प्लास्टर का यूज करते हैं कि ताकि आपका सरफेस काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाए, है ना। यहाँ पे देखिए, एक मेसन जो है प्लास्टरिंग कर रहा है ना, जो एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ जो आपका वॉल है, ब्रिक वॉल, उसको प्लास्टर कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए, पॉइंटिंग एक टर्म है, नया टर्म है ना। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका डिप्रेशन है उसको बाहर मोटार से फिल किया जाता है ना। ये जितने भी आपको डिप्रेशन दिख रहे हैं वॉल के अंदर, इन सारों को मोटार से फिल किया जाता है, और इस वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंटिंग बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं, आगे है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटार। आप अपने डिजायर के अनुसार से कैसा मोटार चाहते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, इट हैज़ गुड एडहेशन प्रॉपर्टी। एडहेशन कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल को जोड़ लेना। जैसे सीमेंट का काम क्या है, सीमेंट का काम है आपका कि ब्रिक्स को जोड़ लेना, है ना, सैंड को जोड़ लेना और एग्रीगेट सबको जोड़ता है। तो आपका जो सीमेंट हो गया वो एडहेसिव मटेरियल हो गया, है ना, ठीक है। ये ड्यूरेबल होना चाहिए, ज़्यादा दिनों तक टिकना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हम लोग अपने काम को जल्दी से कर सकें, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार मतलब कितने टाइप के मोटार होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लाइम मोटार, ये काफ़ी पुराने समय से यूज किया जा रहा है। राजा महाराजाओं के जो घर होते थे वो लाइम के ही बने होते थे। लाइम मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें मुख्यतः लाइम यूज किया जाता है ना, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। इसको फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। इन हाइड्रोलिक लाइम पोर्शन ऑफ लाइम में भी प्रोपोर्शन कितना रखेंगे, 1:2, यानी कि एक पार्ट लाइम का होगा तो दो सैंड का होगा, ठीक है। लाइम मोटार हैज़ हाई प्लास्टिसिटी, इट कैन बी प्लेस्ड इजली।
प्लास्टिसिटी कहने का मतलब है कि आप उसको इजिली मोल्ड कर सकें, है ना। जैसे गुथा हुआ आटा होता है तो उसको किसी भी शेप में हम लोग इजिली मोल्ड कर लेते हैं, तो वो प्लास्टिसिटी, उस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी कहलाती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको लाइम मोर्टार का, ये प्लास्टर है लाइम का। अब यहाँ देखिए सीमेंट मोर्टार जो हम लोग मैक्सिमम आजकल यूज होता है ना, सीमेंट का कंस्ट्रक्शन में ह्यूज अमाउंट में सीमेंट का ही यूज होता है, और सीमेंट से जो मोर्टार बनता है उसका यूज बिल्डिंग के निर्माण में होता है। और जो सीमेंट से जो मोर्टार तैयार होता है उसका प्रोपोर्शन 1:2 से 1:6 होता है। यह काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देती है, ये वाटर रेजिस्टिंग मतलब मॉइस्चर को जल्दी अपने अंदर एंटर नहीं करने देती है, है ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सीमेंट और सैंड का मोर्टार रेडी हो रहा है, ये प्लास्टर का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए थर्ड टाइप का जो मोर्टार है वो लाइम सीमेंट मोर्टार है, इसको गेज्ड मोर्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे गेज्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जी होगा, है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोट करेंगे तो वहाँ जी कर लेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपोजिट मोर्टार, इसको कंपोजिट मोर्टार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लाइम और सीमेंट दोनों से बनता है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मोर्टार एंड गेन अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट इज एडेड इन लाइम मोर्टार। कहने का मतलब है दोस्त कि जो लाइम मोर्टार हम लोग तैयार करते हैं तो उसको जल्दी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? सीमेंट को ऐड कर देते हैं। तो जब भी इस तरह की प्रक्रिया से जो आपका मोर्टार बनेगा वो हो जाएगा लाइम सीमेंट मोर्टार, या फिर इसको गेज्ड मोर्टार कर बोलते हैं, है ना, इट इज़ कॉल्ड गेज्ड मोर्टार, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोर्टार इज यूज फॉर ब्रिक वर्क एंड स्टोन वर्क, है ना, यह ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क में यूज किया जाता है। ये देखिए गेज्ड मोर्टार का एक डायग्राम है जो आपको दिख रहा है। सुर्खी मोर्टार क्या होता है? सुर्खी का जब भी हम लोग नाम ले रहे हैं तो ब्रिक को जब हम लोग बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद ब्रिक से जो डस्ट निकलता है, जो धूल निकलती है, तो उसी को हम लोग सुर्खी बोलते हैं। इसका भी मोर्टार की तरह यूज किया जाता है, है ना, इससे इसका यूज फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं मोर्टार के तौर पे। इसका प्लास्टरिंग और पॉइंटनिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर सुर्खी को डायग्राम में देखना चाहें तो ये इस तरह का होता है, बिल्कुल रेड कलर में दिखेगा, ब्रिक पकने के बाद भी रेड ही हो जाता है, है ना, और उसी का यूज एज ए सैंड करते हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग सैंड यूज करते हैं उसकी जगह पे सुर्खी यूज कर लेते हैं, जो ब्रिक का डस्ट होता है, पके हुए ब्रिक का डस्ट बोल सकते हैं हम लोग इसका, है ना। मड मोर्टार जो हमारे पुराने समय में मिट्टी से घर बनते थे उसमें मड मोर्टार का यूज किया जाता था। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर, ये क्ले होता है, बालू टाइप का मिट्टी होता है जिसमें बालू टाइप का क्ले होता है जिसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं और उसको मोर्टार के तौर पे अप्लाई करते हैं, जैसे प्लास्टरिंग करते हैं या फिर मेसनरी का काम करते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस वाले पोर्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इधर जो मड मोर्टार है उससे प्लास्टर कर रहा है आदमी, और यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है ये भी मशीनरी है ना, मड मोर्टार से। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, है ना, ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक इट, ओके, थैंक यू।